देश के दिग्गज समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव के निधन से शोक की लहर दौड़ गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेताजी के पार्थिव शरीर पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में नेताजी ने अंतिम सांस ली है। धरती पुत्र के निधन की खबर आते ही बिहार के नेताओं में भी दुख का माहौल है। आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी नेताजी के निधन पर मर्माहत हैं। लालू यादव ने ट्वीट किया है कि समाजवादी वटवृक्ष सपा संरक्षक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के निधन की खबर से मर्माहत हूं। देश की राजनीति में एवं वंचितों को अग्रिम पंक्ति में लाने में उनका अतुलनीय योगदान रहा। उनकी यादें जुड़ी रहेंगी। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। विनम्र श्रद्धांजलि। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी नेताजी के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। नीतीश कुमार ने कहा कि मुलायम सिंह यादव जी का निधन राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति है। एक साधारण किसान परिवार में जन्म लेने वाले मुलायम सिंह यादव एक स्पष्टवादी, दूरदर्शी और निडर नेता थे। वे लोकप्रिय जननेता के साथ ही कुशल प्रशासक भी थे। आम लोगों के साथ उनका गहरा लगाव था और सभी के साथ उनका व्यवहार स्नेहपूर्वक था। वे हमेशा अपनी विचारधारा पर अड़िग रहे। वे गरीबों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले सबसे प्रभावी आवाजों में से एक थे। उत्तर प्रदेश और देश के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनसे हमारा व्यक्तिगत लगाव था। उनके निधन से मुझे काफी दुख पहुंचा है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को चिर शांति मिले और उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करे। वही लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी नेताजी को भावभनी श्रद्धांजलि दी है। चिराग ने ट्वीट किया है कि काफी दिनों से बीमार चल रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के संरक्षक आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन की खबर सुनकर स्तब्ध हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में सर्वश्रेष्ठ स्थान दे। ओम शांति। वहीं धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के निधन पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि नेताजी जैसे समाजवादी नेता के निधन पर पूरा देश शोक व्यक्त कर रहा है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के निधन से पूरा देश आहत है। एक कार्यकर्ता के रूप में हम सबों का विरोध अवश्य उनसे रहता था, पर 2009 में सांसद बनने के बाद उनके करीब जाने का मौका मिला, उनसे बातें करने का मौका मिला और 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के बारे में उनके जो शब्द थे वो हम सबको आश्चर्यचकित करने वाले थे। जब लोकसभा खत्म होने के बाद मैं बाहर आया तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम समझते नहीं हो, देश के लिए मोदी जरूरी है। ऐसे महामानव के आज दुखद निधन से हम सब आहत हैं और पूरा भारत वर्ष उनके लिए आज श्रद्धांजलि अर्पण कर रहा है। नेताजी अजात शत्रु थे, विरोधी भी उन्हें दिल से सम्मान देते थे। उनके निधन पर पक्ष और विपक्ष का भेद मिट गया है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या गृह मंत्री अमित शाह, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सभी ने दिल की गहराइयों से नेताजी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। मुलायम सिंह यादव महामानव थे। आजादी के बाद का जब भी राजनीतिक इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव का नाम स्वर्ण अक्षरों से दर्ज किया जाएगा। समाज के वंचित और गरीब वर्ग के लोगों के लिए उनके कार्य जन जन को प्रेरित करते रहेंगे। आने वाली पीढ़ियां लंबे समय तक नेताजी से प्रेरणा लेते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।